चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ हमेथान खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जहां शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान के जन्म दिवस के मौके पर मेरठ सभा शहर अध्यक्ष हाजी आदिल चौधरी के आवास पर हम ख्याल फाउंडेशन के बैनर तले शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें 17 अक्टूबर को महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान का जन्म दिवस मनाया जाता है। सर सैयद अहमद खान देश के मशहूर शिक्षाविद रहे, साथ ही एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी थे। कार्यक्रम जश्न सर सैयद 2023 के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में एएमयू विद्यार्थी यूनियन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी फखरे आलम नकवी रहे, साथ ही विशेष अतिथि खुर्जा के राइजिंग पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शिक्षाविद समी अहमद खान रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मशहूर चिकित्सक डॉक्टर हाशिम रजा जैदी रहे, साथ ही सीसीएसयू मेरठ उर्दू विभाग की शादाब अलीम और लेखक और पत्रकार शाहिद चौधरी रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक इरशाद बेताब, एडवोकेट और कोऑर्डिनेटर शिक्षाविद आफाक अहमद खान और शाहिद खान का विशेष सहयोग रहा। ये देखिए कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां हमारे साथ। मुझे फख्र अहमद शोभी कहते हैं, मेरा ताल्लुक बदायूं से है। मैं अली जी, जैसा आपको मालूम है कि 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में योम सर सैयद मनाया जाता है। जो सर सैयद की खिदमात हैं, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है और जिस तरीके से मुल्क के अंदर एक बेदारी पैदा की है, उस सिलसिले में हर जगह ये प्रोग्राम मनाया जाता है आज के दिन पर, और ये प्रोग्राम बनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है। देखो, मेरा ये है कि सर सैयद साहब ने जो काम किया है हमारे देश के लिए, और आज जितने भी हमारे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जितने भी निकले हुए स्टूडेंट रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि अब सर सैयद साहब तो रहे नहीं, कि हम लोग भी अपना जो छोटे छोटे अपना स्कूल कॉलेज जैसा कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, ये हमारी सोच है। आज का जो कार्यक्रम था, इसको इसके पीछे आपने कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखो, क्योंकि हमें इसलिए कि जिससे ना लोगों को पता चलना चाहिए कि सर सैयद साहब ने क्या 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 किया। तो हमारे सभी भाई हैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, अभी हसीम रजा जैदी साहब थे, किसान भाई हैं, सब हमने इस तरीके से बुलाए जो अपना तकरीर कर रहे हैं, बताएं कि हम लोगों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो मैं एजुकेशन अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा देश तरक्की करे और हम तरक्की करें। क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जश्न सर सैयद मेरठ शहर के अंदर हो रहा है, और हमारे भाई हाजी आदिल चौधरी साहब के दौलत कदे पर मुझे भी पहली बार आने का शर्फ हासिल हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम, ख़ासतौर से तालीमी बेदारी के प्रोग्राम, ये होते रहने चाहिए, और जश्न सर सैयद और इस यौम सर सैयद ये एक ऐसा मौका है कि इस पे मेरे ख्याल में हमें दोबारा से ये मिलता है, ऐसी ताकत मिलती है कि हम इन कामों के लिए अपने को और झोंकते हैं इसमें।